स्वागत बंधन बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको सुराग गोरखपुरी जी की जो रुबाई और गजल थी उसको पढ़ाया समझाया। आज हम गजल के कुछ और भाग को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से शुरू करती हूँ। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके कि मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले। शब्दा बदनाम निंदा, काश यानी इच्छा सूचक विस्मयकारी शब्द, पर्दा यानी रहस्य राज संध्या, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया पूर्व। प्रसंग प्रस्तुत शेख शायद राव गोरखपुरी जी ने स्वयं की निंदा करने वालों को दर्पण दिखलाया। व्याख्या, कवि कहता है कि मैं अपने से तमाम विरोधी हूँ एवं निंदकों से कहना चाहता हूँ कि जो निरंतर मुझे बदनाम करने अथवा मेरी निंदा करने में लगे रहते हैं, यदि संभव हो तो वे सब मेरी निंदा करने से पूर्व एक बार अवश्य सोचें कि ऐसा करके वे मेरे राज खोलते हैं अथवा अपने स्वयं के वास्तविक चेहरे उजागर करते या अपने स्वयं के वास्तविक चेहरे भी उजागर करते रहते हैं। अभिप्राय है कि कवि कहना चाहता है कि जो मुझे बदनाम करने का प्रयत्न करने वाले जब ऐसा करते हैं तो इससे मेरे प्रति उनकी भीतर की द्वेष भावना ईर्ष्या भी निकलकर लोगों के सामने बाहर आती है और इस प्रकार मुझे नीचा दिखाने की कुचेष्टा में अनायास ही अपनी चारित्रिक कमजोरी भी उजागर कर देती है, अपनी चरित्र की कमजोरी भी उजागर करती है। काफी सुंदर। कवि ने यहाँ पर निंदा की प्रवृत्ति को आत्मघाती बताया है। दूसरी कवि दूसरों की निंदा करने वालों को दर्पण दिखलाना चाहता है। पर्दा खोलना मुहावरे का सटीक प्रयोग है, गजल शैली है, उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ। फिर देखिए इसके बाद, ये कीमत भी अदा करे हैं हम वदुरस्ती ए होशो हवास, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुर रस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले। शब्दार्थ कीमत यानी मूल, अदा करना चुकाना, बदुरस्ती यानी ए होशो हवास विवेक के साथ पूरे होश हवास में दीवाना प्रेमी प्रेम में पागल, बदुरस्ती ए होशो हवास। संदर्भ पूर्वज प्रसंग प्रस्तुत शीघ्र शायद ने प्रेम में पागल हो जाने जैसे महंगा सौदा करने की बात कही। व्याख्या, प्रस्तुत का प्रश्न में कवि अपनी प्रेसी के साथ प्रेम संबंध में बना उसे संबंधित करते कहते हैं कि हम ये जानते हुए कि तुम्हारे प्रेम की एक बड़ी कीमत हमें चुकानी होगी, हम पूरे होश में उसे चुकाने को तैयार हैं। हमें अच्छे से पता है कि यह प्रेम को पाने की हमको यह बहुत अच्छे से पता है, यह भारी भरकम कीमत होगी समाज की दृष्टि में स्वयं को तुम्हारे प्रेम में पागल ठहराना, तुम्हारे प्रेम को पाने की चाहत में हम स्वयं को तुम्हारा प्रेम दीवाना तक कहलाने और इस प्रकार तुम्हारे प्रेम की इतनी ऊंची कीमत चुकाने के लिए पूरे विवेक के साथ तैयार है। काव्य सौंदर्य प्रेम को पाने की चाहत में दीवाना तक कहलवाने में शायद को कोई अपनी आपत्ति नहीं है। कीमत अदा करना सौदा करना जैसे मुहावरों का सटीक प्रयोग हुआ है। जटिल उर्दू के शब्दों के प्रयोग से भाषा में दूरता आ रही है। उर्दू शब्दावली का प्रयोग है गजल शैली। फिर है, तेरे गम का पासे अदब है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। शब्दार्थ, गम दुख वेदना दर्द पीड़ा पासे अदब लिहाज सम्मान ख्याल परवाह चिंता। संदर्भ पूर्वक प्रसंग प्रस्तुत शेर में मकबूल शायर फिराक गोरखपुरी जी ने अपने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करते हुए अपनी प्रेसी की बदनामी की चिंता करते प्रतीत होते हैं। व्याख्या, कभी अपनी प्रेसी को संबोधित करते हुए कह रहा है कि प्रिय, मैं तुम्हारी जटिल पीड़ा अथवा बह वेदना का सम्मान करता हूँ, साथ ही मुझे संसार के रीति रिवाजों रस्मों की भी चिंता, इसलिए मैं सबसे छुपा कर अपनी पीड़ा को चुपके चुपके रोकर व्यक्त कर देता हूँ। अभिप्राय है कि कभी संसार के सामने अपने प्रेम वियोग को प्रदर्शित नहीं करना चाहता, उस आशंका है कि इससे उसकी
प्रेसी की बदनाम अकेले में चुपके चुपके आंसू बहाकर व्यक्त कर देता। काव्य सुंदर प्रेसी की प्रेम जनित क्रिया का सम्मान करने की बात कही गई है। शायर को अपने प्रेसी की बदनामी का भय सता रहा है। चुपके चुपके में कुंडलती प्रकाश और की शब्द की आवृत्ति बार बार है। वियोग मतलब चुपके चुपके में कुंडलती प्रकाश अलंकार है। वियोग श्रृंगार दुष्टभ है। पांचवे गद्य से जटिल उर्दू के शब्द के प्रयोग से भाषा में ध्रुवता आ गई है। उर्दू शब्दावली का प्रयोग है और गजल शैली फितरत का कायम है। तवा जुन आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खुले में। शब्दार्थ फितरत स्वभाव प्रकृति प्रवृत्ति मनोवृत्ति आदत कायम स्थापित तवाजुन संतुलन आलमे हुस्नो इश्क सौंदर्य प्रेम का जाल आलमे हुस्नो इश्क सौंदर्य प्रेम का जाल खुद मैंने स्वयं संदर्भ ही पूर्वक है। प्रसंग प्रस्तुत शेर में शायद प्राग गोरखपुरी जी ने प्रेसी के प्रेम में डूबे प्रेमी की दीवानगी का वर्णन किया। कवि कहते हैं कि प्रेम और मोहब्बत की दुनिया की आवृत्ति भी बिल्कुल अलग है। यहाँ एक अद्भुत विरोधाभासी संतुलन सदैव बना रहता है। कवि आगे कहते हैं अपनी प्रेसी के वियोग में व्याकुल मैं स्वयं को जितना भी प्रेम को देता हूँ अर्थात मग हो जाता हूँ उतना ही मैं अपने समीप पाता हूँ। अर्थात कवि कहना चाहता है कि यदि कोई अपने प्रेम को पाना चाहता है तो उसे उस प्यार की याद हो के संसार में स्वयं को विस्मृत करना होगा। काव्य सुंदर प्रेम की प्रवृत्ति को व्यक्त करके पाने के लिए स्वयं को खोने की बात कही गई है। वो कर्म पाने विरोधाभास अलंकार है। वियोग श्रृंगार दुष्टभ है। माधुर गुण विद्यमान है। उर्दू शब्दों की बहुलता है। आलमे हुस्नु इश्क जैसे उर्दू के जटिल शब्द के प्रयोग से भाषा में दुर्लता आ गई और गजल शैली जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। शब्दार्थ आओ ताव अशा चमक धमक के साथ रखो यानी रखते बैत यानी शेर काव्य रचना धमक चमक मोती रोले आंसू छलकना संदर्भ पूर्वक प्रसंग प्रस्तुत शेर में लोकप्रिय शायर प्राग गोरखपुरी जी ने अपनी गजलों एवं शेरों के लोकप्रिय होने के पीछे दर्शकों दर्द को बताया। व्याख्या कभी कहते हैं कि मेरी शेर और शायरी में जो मशहूरियत जो चमक धमक है वजह है उसके पीछे का कारण तुम सरलता से लगा सकते हो क्योंकि तो तुम्हारे पास अपना विवेक है। मेरे शेरों में जो विशिष्टता की चमक तुम पाते हो वास्तव में मेरी आंखों से निकलने वाले मेरे दर्द रूपी आंसुओं की ही चमक है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि जो कुछ भी उसने अच्छा लिखा या गढ़ा वो मात्र शब्दों का समूह नहीं अपितु उसमें उसके दर्द की आत्मा बसी है। काव्य सुंदर काव्य रचना के पीछे छिपे दर्द का बखान किया है। इस शेर में कवि के अंतस की वेदना की प्रभावी अभिव्यक्ति हुई है। मोती रे और रोले मेरा विभागनी के दर्द भरे लहजे प्रतीक है। आप रत्ना मुहावरे का सटीक प्रयोग है। तुम हम शब्दों के प्रयोग से संबोधन शैली है। आओ ताम में अनुप्रसा अलंकार है। जटिल उर्दू शब्दों से प्रयोग से शेर में हिंदी पाठकों के लिए ध्रुव बन गया है और गजल शैली है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को। रात गए गर्दू पे फरिश्ते बागे बुनह जग खोले। शब्दा अंजुमने मय में शराब की महफिल रिंदों में शराबियों और गर्दू ने आकाश आसमान पैमाने पर फरिश्ते देवदूत बाबे बुना पाप का अध्याय और जग संसार प्रसंग प्रस्तुत शेर में शायद प्राग गोरखपुरी जी ने गृहावस्था में अपने प्रियजनों की घराती यादों का वर्णन किया। व्याख्या कवि कहता है कि हमारे प्रियजन जब देर रात को अपने आसमान में कहीं देवदूत संसार के पापों का अध्याय खोलकर पाप पुण्य का लेखा जोखा कर रहे होते हैं तो ऐसे में शराब की महफिल में बैठ कर हम शराबियों अर्थात चाहने वालों को तेरी बहुत याद आती। भाव यह है कि प्रेम करने वालों को घनी अंधेरी संसार आत्म में अपने प्रीतम की बहुत याद आती। उसे यह वेदना
उससे यह बेरा बेरा उनसे यह बेरा वेदना सही न जाती है। काव्य सौंदर्य गदावस्था प्रेमी के हृदय की पीड़ा का मार्मिक चित्रण है। रात में दो ही लोग देवदूत प्रेमी प्रेमिका के सक्रिय होने की बात कही गई है। वियोग श्रृंगार विद्वान की माधुरी में तय उर्दू फारसी मिश्र शब्दों का प्रयोग है। उर्दू फारसी के कई जटिल शब्दों के प्रयोग से शेर में दोहराता आ रही है गजल शैली है। सदके फिराक सदके फिराक इजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली है ये आवाज। सदके फिराक इजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली है ये आवाज। इन गजलों के सदके फिराक इजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली है ये आवाज। इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले शब्दा। सदके फिदा कुर्बान फना इजाजे सुखन बेहतरीन प्रतिष्ठित शायरी पर्दों के अनुरूप में आड़ में चरण शब्द मीर एक नामचीन शायर। संदर्भ पूर्वक है प्रसंग प्रस्तुत शेर में शायर फिराक गोरखपुरी जी अपनी शायरी पर मीर की शायरी का प्रभाव मानते हैं। व्याख्या कवि की शेर व शायरी पर उन्हें चाहने वाले मंद होते हुए कहते हैं कि बात फिराक तुम्हारी प्रतिष्ठित एवं उमदा शायरी पर हम सब निछावर है। आखिर कैसे तुमने शायरों शायरी के क्षेत्र में अपनी इतनी अच्छी जगह बना ली है। तुम्हारी शायरी में भजन कहाँ से आ गया है। ना जाने तुमने कहाँ से आवाज का यह जादू अपनी शायरी में उतार दिया। शायर अपनी शायरी की मकबूलियत के पीछे अपने उस्ताद एवं उर्दू के नाम की शायर मीर तकी मीर को इसका श्रेय देते हुए कहते हैं कि वास्तव में मेरी गजलों के शेरों के शब्दों में महान शायर मीर की गजलें बोलती हैं। अर्थात मेरी गजलों पर मीर का अत्यधिक प्रभाव है। भाव यह है कि फिराक गोरखपुरी जी शेरों शायरी की दुनिया में अपनी लोकप्रियता के पीछे महानतम शायर मीर की बड़ी भूमिका मानते हैं। लोगों का मानना है कि उनकी शायरी में मीर की शायरी की जैसी चमक है। काव्य सौंदर्य शायर ने यहाँ स्वीकारोक्ति की है और उसकी शायरी पर महान उर्दू शायर मीर तकी मीर की शायरी का गहरा प्रभाव है। शायर ने अपनी गजलों को प्रतिष्ठित शायर मीर को समर्पित किया है। उड़ा लेना मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस श्री में उर्दू गजल की वास्तविक चमक देखने को मिलती है। उर्दू भाषी शब्दावली युक्त भाषा है। जटिल उर्दू शब्दों के प्रयोग से हिंदी पाठकों के लिए कठिनता उत्पन्न हो गई और गजल शैली है। इस प्रकार मैंने यहाँ पर आपको फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा जो रचित रचना है जो गजल है जो रुबाई है उनके उन काव्यांश के अनुवादों को समझाया पढ़ाया और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।